हेलो ब्यूटी गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ आपको कि हम पिलो मास्क कैसे लगाते हैं और उसमें डेमो भी आपको देने वाली हूँ। ओके गाइस, हमको उससे पहले क्या करना है, पिलो मास्क क्या होता है, जो भी हमारी स्किन में डेड स्किन है, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, उनको रिमूव करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, इवन टोन करता है और हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है आफ्टर पिलो मास्क। ओके गाइस, तो उससे पहले हमें टू थिंग्स करनी पड़ती है। पहले फर्स्ट फेस वॉश करना है। आप देख सकते हैं ये मेरे कैफीन का फेस वॉश है। ओके, ये कॉफी वॉर्मिंग फेस वॉश है मेरा, ठीक है, और ये एक्ने कंट्रोल फेस वॉश। आप देख सकते हैं मेरे को एक्ने होते हैं, मेरे को ये फेस वॉश यूज करना पड़ता है। सो 2 से 3 पंप इसका लेंगे और इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये वॉर्मिंग फेस वॉश है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं गाइस फेस वॉश मैंने कर लिया है। ये गुड वाइब्स का स्क्रब, स्क्रब से जो भी हमारी डेड स्किन है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, वो रिमूव होती है, हमारी हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। आपको purple.com से इजीली परचेज हो जाएगा। ओके गाइस, ये 235 का है पर मेरे को ये डिस्काउंट में मिला है। जेल फॉर्म में है ये वाला स्क्रब, तो हम इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे। अगर हम पिलो मास्क अप्लाई करने से पहले स्क्रबिंग करते हैं तो हमारा पिलो मास्क का इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। ओके गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओनली 5 मिनट्स हम स्क्रबिंग करेंगे। ओके गाइस, ज़्यादा हार्ड हैंड से हमको नहीं करना है। ओके गाइस, नॉर्मली आप जैसे मसाज करते हैं ऐसे ही आपको मसाज करता है। गाइस, मैं फर्स्ट टाइम गुड वाइब्स का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत अच्छा टेक्सचर है, क्योंकि जेल फॉर्म में है और मैंने ये स्ट्रीट ट्री ऑयल इसलिए मंगाया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत एक्ने प्रोन है, ठीक है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही फर्स्ट स्क्रब, इसलिए मैंने ये परचेज किया है। ओके गाइस, अप्लाई पिलो मास्क गुड वाइब्स का ट्री ट्री पिलो मास्क क्वान्टिटी में आपको अपने फिंगर पे ले लेना। आप देख सकते हैं ये पिलो मास्क कुछ ग्रीन कलर का दिखता है ना, तो आपको इसकी ज़्यादा थिक लेयर लगानी है, आपको ज़्यादा कम लेयर लगानी है। अभी आइज को आइज से थोड़ा दूर रखिएगा क्योंकि हमारा सेंसिटिव एरिया है। ओके गाइस, तो आइज पे आपको नहीं लगाना है। लगने के बाद ये पता नहीं चल रहा है, जब हम इसको प्रोडक्ट को निकालते हैं तभी हमको लग रहा है कि ग्रीन कलर का है, जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद ये एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा है। आप देख सकते हैं पता भी नहीं चल रहा है कि आपने कुछ फेस पे लगाना है, ओनली इसकी आप शाइनिंग फील कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया भी है। एक जनरस अमाउंट में आपको ये लगाना है अपने फेस पे, पूरे फेस पे आप लगाएंगे, बस आइस से थोड़ा बचा के ही लगाना है, आइस पे नहीं लगाना है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं ये पिलो मास्क मुझे और पिलो मास्क से बहुत डिफरेंट लग रहा है। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आएगा गाइस। मैंने ये ओवरऑल फेस पे अप्लाई कर लिया है, अब इसको सूखने में मिनिमम मेरे को 20 मिनट्स लगने वाले हैं। तो गाइस, हमें ये 20 मिनट्स लीव करना पड़ेगा। ओके गाइस, मिलते हैं इसको सुखाने के बाद। गाइस, हम देख सकते हैं कंप्लीट ड्राई हो गया, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं। तो नेल्स बना दिया है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बेस हेयर हैं वो भी मेरे इसके साथ रिमूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम नहीं है। जनरस क्वांटिटी में आपको लेना है। ओके गाइस, अब आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको लगा लेना है। पील ऑफ मास्क के बाद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है। ओके गाइस, देख सकते हैं वीडियो, गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।